दोस्तों अगर जो आप कुछ भी ऑर्डर किए होंगे फ्लिपकार्ट से, उसके बाद अगर जो आप चाहते हो कि उस एड्रेस पर नहीं लेना चाहते हो, यानी कि एड्रेस चेंज करना है या मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो उसको कैसे चेंज करने के यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर जो आप सही वीडियो देख कर थक चुके हो तभी इस वीडियो क्लिक किए होंगे, तो बिल्कुल दोस्तों आपको हेल्प की जाएगी। चलिए दोस्तों ले चलते अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर, और उसके बाद सिखाते हैं कि किस तरह से अपने मोबाइल में एड्रेस को चेंज करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज संजय आपको स्वागत करता हूँ चैनल पर। चलिए ले चलते अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को हम ओपन कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट के ऑप्शन पर जाएंगे। अकाउंट पर जाने के बाद व्यू ऑल ऑर्डर्स, तो इस पर क्लिक कर दीजिए व्यू ऑल ऑर्डर्स पर। चलिए उसके बाद जो ओपन होगा और जिस जो मतलब कि आपका ऑर्डर आने वाला है उसका अगर जो मोबाइल नंबर या कुछ भी चेंज करना होगा तो इस पर आ जाएंगे। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, अगर जो डेट चेंज करना होगा तो इस पर चेंज करेंगे, चेंज डेट पर क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है चेंज डेट। अगर जो आपको चेंज डेट नहीं करना है तो आगे नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है एड्रेस। अगर जो ये वाला चेंज करना है तो चेंज आराम से बिल्कुल से कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर चेंज पर क्लिक कर दे रहे हैं, तो चेंज पर हम क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद एड्रेस कैंट भी चेंज, यानी कि हम इतना ना बार यहाँ पर डेट बदल दिए हैं ना कि यहाँ पर बोल रहा है कि एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पर फोन नंबर बोल देख रहे हैं, तो फोन नंबर कैंट भी चेंज, यानी कि फोन नंबर भी चेंज नहीं होगा। क्या काहे नहीं होगा, काहे से कि हम इनके जो है ना एड्रेस बहुत बार, यानी कि डेट जो है ना बहुत बार चेंज कर दिए। देखिए यहाँ पर डेट चेंज है ना, यहाँ पर बोलेगा डिलीवरी डेट कैंट भी चेंज, काहे से कि हम तीन चार बार डेट को चेंज किए हैं। पहले सबसे पहले यह आने वाला था 10 अगस्त को, 10 को नहीं मंगाए, फिर कितना को मंगाए, तो फिर इसको किए 12 को, फिर नहीं मंगाए, फिर 15 को किए। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, आप बहुत बार कोशिश कर लिए हैं। अगर जो दूसरा कोई ऑर्डर होता तो मैं करके दिखा देता, यहाँ पर देखिए दूसरा कुछ भी ऑर्डर अभी नहीं है आने वाला, नहीं तो अभी करके दिखा देता मैं। देखिए रिप्लेसमेंट हो गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगर जो आपको करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अकाउंट पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे व्यू ऑल ऑर्डर्स, व्यू ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करके यहाँ पर डिलीवरी पर क्लिक कर देंगे, डिलीवरी एक्सेप्ट पर, और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे। जब चेंज पर क्लिक करेंगे तो आराम से चेंज हो जाएगा। देखिए एड्रेस कैंट भी चेंज, क्या इसके हम इतना बार मतलब कि परेशान कर दिए हैं इसीलिए। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।